हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपको प्रॉपर्टी से, रियल इस्टेट से क्या लाभ मिलने वाला है, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपके रोग और शत्रु का क्या हाल रहेगा ये भी बताएंगे। आपका रुका हुआ धन मिलेगा या पुराने मित्र मिलेंगे, सारी बातें आज हम आपसे बात करेंगे। भूमि भवन की क्या स्थिति रहेगी, यदि न्यायालय में विवाद चल रहा होगा तो क्या स्थिति होने वाली है। आप फैमिली प्लानिंग करें तो उसमें क्या आपको सफलता मिलेगी। महिला मित्रों की क्या भूमिका रहेगी। अधिकारी मित्रों से आज आपको लाभ होगा या हानि ये भी बताएंगे। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से क्या हो सकता है, उसमें कैसे सावधानी बरतें इसके भी बारे में आज हम आपको बताएंगे। अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखें और मन पर कैसे काबू करें इस पर भी बात करेंगे। और गुस्सा पर नियंत्रण कैसे करेंगे इस पर बात करेंगे। आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करना है, पूजा किसकी करें, दान पुण्य क्या करें, और आज आपके लिए शुभ अंक कैसा रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कालखंड आपके लिए काफी अच्छा है। रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी से आज आपको काफी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें, दुर्घटना इत्यादि होने की भी संभावना बन रही है। जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ कतई ना करें। आपके वाणी से, आपके व्यवहार से अपने ही पराये जैसे व्यवहार करते हैं और आप अपनों के बीच में अकेलापन फील करते हैं। तो इस पर आपको सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपनी कमी को दूर करें, अच्छाई को बढ़ावें। माता से विवाद न करें। माता और पत्नी के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रह रही है, तो आप माता और पत्नी से विवाद की दूरी बना लें, विवाद न करें और दोनों में सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतर होगा। संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। आपके घर में किलकारी घुस सकती है, उसकी भी संभावना बन रही है। नए तरह की यात्रा, नए तरह के कार्य से मन प्रफुल्लित रहेगा। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, कंस्ट्रक्शन में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तभी थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन करना आपके लिए घातक हो सकता है, तो इसलिए कोई भी लेन देन करने से बचना है। वाणी पर कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करें। यदि आपने फिल्म बनाने की, कहानी लिखने की अगर आपने योजना बना रखी है तो आप बहुत अच्छे फिल्मकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिल्म का डायरेक्शन कर सकते हैं। ढेर सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित हो सकता है। तो देखा जाए तो कालखंड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। माली हालत आपकी अच्छी होगी। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी से आपको रुका हुआ धन मिलेगा, जिससे थोड़ी सी आपका संघर्ष कम हो सकता है। संतान सुख मिलेगा। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। भाई बहनों का सुख मिलेगा। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने, जो आपका आत्मबल कहता, आत्मविश्वास कहता है, उसको कतई इग्नोर न करें। और पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है, सरकारी उच्च पद भी मिलने की संभावना बन रही है। आपकी परेशानियां समाप्त होने का योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतना है कि गुस्से में आके, क्रोध में आके कोई भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए गुस्से में आके कोई निर्णय न लें, इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, उनको चोला चढ़ावें। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हों फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। और आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।